हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बजर का यूज़ करके किस तरीके से हम एक मिनी पियानो बना सकते हैं। पियानो आपने देखा होगा, पियानो या फिर जिसे कीपैड भी बोला जाता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अलग अलग बटन प्रेस करने से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो हम लोग उस तरह का एक बेसिक सा वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके एंड बजर रजिस्टर्स एंड पुश बटन का यूज़ करके हम एक मिनी पियानो बनाने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इनिशियली चाहिए होंगे, चार बजर लेंगे हम लोग एंड चार पुश बटन एंड चार अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स लेंगे। ये जो मैंने रजिस्टर्स लिए हैं ये सारे अलग अलग वैल्यू के हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स इसी वैल्यू का रजिस्टर लेना होगा। अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर हम लोग यहाँ पर लेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीकर में से अलग अलग आवाज़ हमें सुनाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे। हम इसमें इस तरफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सप्लाई इस तरफ और पॉजिटिव सप्लाई इस तरफ रखेंगे एंड उसके बाद में हम कुछ जैसे एक सैंपल में सर्किट बना देता हूँ और उसके बाद हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अपन पॉजिटिव रख लेते हैं इधर। जैसे मैं पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो मैंने ये बटन इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये जो पॉजिटिव वाली जो रेल है, इस पॉजिटिव वाली रेल में इसका एक लेग है और दूसरा लेग इसके कंपोनेंट रेल में है। ठीक है, ऐसे ही मैं चार लगा लेता हूँ अलग अलग। ठीक है, ये चार मैंने अलग अलग स्विचेस यहाँ पर लगा लिए। अब हमें क्या करना है, इन स्विचेस के साथ में हम लोगों को रजिस्टर्स कनेक्ट करना है। अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर आप कोई सा कहीं भी लगा सकते हैं। अब रजिस्टर हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर चार अलग अलग तरह के रजिस्टर्स लगा लिए। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से जो पॉजिटिव सप्लाई आएगी वो इन बटन्स के पास जाएगी, बटन से इन रजिस्टर के पास और रजिस्टर के आगे हम लोग लगा देते हैं अपने बजर्स। तो देखो बजर में ये ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये रजिस्टर की तरफ रहना चाहिए और नेगेटिव वाला पावर रेल में रखेंगे हम। तो इधर से देखो ये पावर रेल में स्मॉल वाला एंड बड़ा वाला लेग इधर, इस तरीके से हम लोग इसको प्लेस कर देंगे। तो चार अलग अलग जो हमारे बजर है उनको हम लोग इन रजिस्टर के साथ अटैच कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि जिस लाइन में आपने रजिस्टर लगाया उसी लाइन में आपका बजर कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा सर्किट बना लिया है जिसमें चार बटन हैं, इन चारों बटन से चार रजिस्टर है, अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर है। जैसा आप देख पा रहे होंगे इन पर अलग अलग कलर बैंड्स हैं एंड इनसे चार अलग अलग बजर्स कनेक्ट है। अब पावर सप्लाई, तो देखो पावर सप्लाई किस तरीके से देंगे। हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइड कनेक्ट करी है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइड कनेक्ट करी है तो यहाँ पॉजिटिव एंड इस साइड हमने नेगेटिव कनेक्ट किया है तो इधर नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो चेक करने से पहले अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो हो सकता है आपको ये इसकी जो वॉइस है वो इरिटेट करे, तो आप उनको हटा सकते हैं या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला बटन प्रेस करूंगा तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें एक अलग साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसमें कुछ अलग था एंड इसमें अलग था। अब देखो इस तरीके से आप अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमने जो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं उनकी वैल्यू अलग अलग है। इसकी वजह से जो हमने 9 वोल्ट सप्लाई दी है वो 9 वोल्ट सप्लाई अलग अलग तरीके से इसमें जा रही है, किसी में एग्जैक्ट 9 जाएगी, किसी में कम जाएगी। रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट 9 जाएगी, रजिस्टर यूज़ करेंगे तो कुछ कम हो जाएगी। तो जो रजिस्टर की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग इसमें ड्रॉप होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बड़ा पियानो भी बना सकते हैं अलग अलग रजिस्टर्स यूज़ करके, इसको कितना भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आप रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग साउंड मिलेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक पियानो का मॉडल बना सकते हैं। अब इसमें अगर आपको कुछ अपग्रेडेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस रजिस्टर की जगह आप एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप इन सारे अलग अलग जो बजर्स हैं इनकी पिच सेट कर सकते हैं, इनकी अलग अलग पिच साउंड सेट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक कस्टमाइज पियानो भी बना सकते हैं जिसकी पिच चेंज हो सकती है। तो रजिस्टर की जगह आप वेरिएबल रजिस्टर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।